हर साल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे फिल्में रिलीज होता है और जिसमें से आज में 2000 से 2022 तक हर साल का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्मों के बारे में बताने वाली हूँ। और अगर आप फिल्म लवर तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखिएगा और एक लाइक भी करिएगा। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। 2000 मोहब्बतें, और इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म रहा बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का। और जहाँ पर यंग स्टूडेंट और एक म्यूजिकल टीचर के बीच में एक रिलेशनशिप को दिखाई है, जहाँ पर इसका बजट था 15 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 90 करोड़ और ये फिल्म रहा ब्लॉकबस्टर। साल 2001 कभी खुशी कभी गम, और सभी लोग जानते हैं कि फिल्म उस वक्त का फैमिली ड्रामा फिल्मों के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर फिल्म था, जिसमें अमिताभ जी, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक से शुरू करके करीना को लीड रोल में नजर है। और इसमें एक इंडियन फैमिली के बीच में मिस अंडरस्टैंडिंग से जुड़ा कर कहानी को दिखी है, जहाँ पर इसका बजट था 22 करोड़, कलेक्शन रहा 135 करोड़ और ये रहा ब्लॉकबस्टर। साल 2002 देवदास, और इस बार भी शामिल है बादशाह शाहरुख खान का ही फिल्म, और इसमें देव और पारो के बीच में प्यार कहानी को दिखी है, जहाँ पर इसका बजट था 30 करोड़, कलेक्शन रहा 102 करोड़ और ये रहा हिट। साल 2003 कल हो ना हो, और इस बार भी शामिल है शाहरुख खान का ही फिल्म, और जहाँ पर शाहरुख के साथ साइफ प्रीति लीड रोल में जई है, और इसमें तीनों के बीच में लव ट्रायंगल को दिखाई है, जहाँ पर बजट था 25 करोड़, कलेक्शन रहा 88 करोड़ और ये रहा हिट। साल 2004 वीर जरा, और ये रहा शाहरुख का रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जहाँ पर इंडियन पायलट वीर और एक पाकिस्तानी लड़के जरा के बीच में प्यार कहानी को दिखाई है। और 22 करोड़ बजट में बनने वाली ये फिल्म 98 करोड़ कलेक्शन करके सुपर हिट साबित थी। साल 2005 नो एंट्री, और ये फिल्म है भाईजान सलमान खान का कॉमेडी ड्रामा फिल्म, जहाँ पर एक मैरिड कपल के बीच में कॉमेडी ट्विस्ट को दिखाई है, और बजट था 22 करोड़, कलेक्शन रहा 74 करोड़ और ये रहा सुपर हिट। साल 2006 धूम 2, और ये रहा बॉलीवुड का हैंडसम हंक ऋतिका एक्शन थ्रिलर फिल्म, और ये रहा ऋतिका कैरियर में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फिल्म, जहाँ पर बजट था 30 करोड़, कलेक्शन रहा 152 करोड़ और ये रहा ह्यूज ब्लॉकबस्टर। साल 2007 ओम शांति ओम, और ये शाहरुख का फैंटेसी मेलोड्रामा फिल्म है, जहाँ पर पुनर्जन्म से जुड़ा कर कहानी को दिखाई है, और इसका बजट था 35 करोड़, कलेक्शन रहा 150 करोड़ और ये रहा ब्लॉकबस्टर। साल 2008 घाजीनी, और इस बार शामिल है मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का एक्शन थ्रिलर फिल्म, जहाँ पर कल्पना की मर्डर से जुड़ा कर कहानी को दिखी है, बजट था 40 करोड़, कलेक्शन रहा 280 करोड़ और ये रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। साल 2009 थ्री इडियट्स, और इसी साल भी सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है आमिर का फिल्म, जहाँ पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम को दिखी है, और इसका बजट था 60 करोड़, कलेक्शन रहा 460 करोड़ और ये रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। साल 2010 एंथिरन, और इस पर शामिल है कॉलीवुड का गॉड थलाइवर रजनीकांत का साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म, और इसमें साइंटिस्ट और एक रोबोट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई है, जहां पर बजट था 120 करोड़, कलेक्शन रहा 295 करोड़ और ये रहा इंडस्ट्री हिट। साल 2011 बॉडीगार्ड, और इस पर शामिल है भाईजान सलमान खान का फिल्म, जहाँ पर लवली सिंह और दिव्या के बीच में एक अधूरा प्यार कहानी को दिखाई है, और 80 करोड़ बजट में बनने वाली ये फिल्म कलेक्शन किया है 235 करोड़ और ये रहा ब्लॉकबस्टर। साल 2012 एक था टाइगर, और इस बार भी सबसे ज्यादा कमाई किया है भाईजान का ही फिल्म, जहाँ पर इसमें उनको रॉ एजेंट के रोल में नजर है, और बजट था 100 करोड़, कलेक्शन रहा 335 करोड़ और ये रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। साल 2013 धूम 3, और ये रहा आमिर का एक्शन थ्रिलर फिल्म, और इसमें शाहिर और इंस्पेक्टर जय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखी है, जहाँ पर बजट था 120 करोड़, कलेक्शन रहा 585 करोड़ और ये रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। साल 2014 पीके, और इस बार भी शामिल है आमिर खान का ही फिल्म, जहाँ पर इसमें धर्म से जुड़कर कॉन्फ्लिक्ट को दिखी है, बजट था 100 करोड़, कलेक्शन रहा 835 करोड़ और ये रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। साल 2015 बजरंगी भाईजान, और 2015 में सबसे ज्यादा कमाई किया है इंडियन फिल्मों के बीच में सलमान का ये फिल्म, जहाँ पर बजरंगी से जुड़कर एक पाकिस्तानी लड़की की कहानी को दिखी है, बजट था 120 करोड़, कलेक्शन रहा 970 करोड़ और ये रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर।
साल 2016 दंगल। और ये रहा आमिर खान का स्पोर्ट्स फिल्म। और ये फिल्म सिर्फ 2016 नहीं बल्कि पूरे इंडिया का सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है, यानी कि आमिर खान ने पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कलेक्शन करके दिखाई है। जहाँ पर इसका बजट था 150 करोड़, कलेक्शन रहा 2208 करोड़। और ये रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। साल 2017 बाहुबली 2 द कंक्लूजन। और इसमें शामिल है रेवेस्टर प्रभास का एपिक एक्शन फिल्म। और जहाँ पर सभी लोग इसका स्टोरी जानते हैं। और 250 करोड़ बजट में बनने वाली ये फिल्म कलेक्शन किया है 1810 करोड़। और ये रहा इंडस्ट्री हिट। साल 2018 सबसे ज्यादा कमाई किया है तमिल का फिल्म 2.0। और ये रहा थलेव रजनीकांत का साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म। और इसका बजट था 500 करोड़, कलेक्शन रहा 800 करोड़। और ये रहा हिट। साल 2019 वार। और इस साल इंडिया में सबसे ज्यादा कमाई किया है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का वार फिल्म, जहां पर दोनों के बीच में एक बड़ा बट्टा करना नजर आई है। और जहां पर इसका बजट था 180 करोड़, कलेक्शन रहा 480 करोड़। और ये रहा ह्यूज ब्लॉकबस्टर। साल 2020 तन्हाजी डांस सॉन्ग वॉरियर। और इस साल सबसे ज्यादा कमाई किया है सुपरस्टार अजय देवगन का इस बायोग्राफिकल प्योर ड्रामा फिल्म, जहां पर मराठा एम्पायर तन्हाजी मालूसर का लाइफ स्टोरी को दिखाई है। जहां पर इसका बजट था 100 करोड़, कलेक्शन रहा 360 करोड़। और ये रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। साल 2021 पुष्पा द राइज। और इस साल पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है स्टार अल्लू अर्जुन का फिल्म पुष्पा, जहां पर इसमें स्मगलिंग का कहानी को दिखाई है। और इसमें अल्लू के साथ फहद फसल का बराबर टक्कर सभी को किया है काफी इम्प्रेस। और पेंडेमिक के वक्त और साथ में बॉलीवुड का बिग बजट वाला फिल्म 83 और स्पाइडरमैन के साथ क्लैश होने की बावजूद भी बॉक्स ऑफिस तोड़कर कलेक्शन किया है पुष्पा द राइज। इस फिल्म का सबसे शॉकिंग वाला कलेक्शन आई है हिंदी बेल्ट से। और जहाँ पर इसका बजट था 180 करोड़, कलेक्शन रहा 350 करोड़। और अभी भी ये फिल्म थिएटर पर रनिंग है। और ये फिल्म रहा ब्लॉकबस्टर। साल 2022 ट्रिपल आर। जहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि ये फिल्म मेगा पास्टर राम चरण और जूनियर एंटर का अपकमिंग हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म होगा। और इसको डायरेक्ट करी है डायरेक्टर का बॉस एसएस राजामौली ने। और अनडाउटली ये फिल्म सिर्फ 2022 का हाईएस्ट ग्रॉसिंग नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा पर एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाले है। और इसका बजट है 400 करोड़। और आपको क्या लगता है ट्रिपल आर का कलेक्शन कितना हो सकता है, कमेंट पे बताइएगा। और एक बात, आपको क्या लगता है क्या 2022 में ट्रिपल आर को छोड़कर कोई दूसरा फिल्म इंडिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले है, तो उसी फिल्म का नाम भी आप कमेंट पे बता सकते हैं। तो उसे ये रहा हर साल का इंडिया का सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों के बारे में। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा और अगर बॉलीवुड साउथ इंडिया से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।